and Kashmir, where in a major crackdown on the illegal Rohingyas in Jammu, Jammu and Kashmir police has begun the internal probe survey to identify those NGOs that are helping Rohingyas. Probe launched to identify the non-governmental organizations who are facilitating the movement of Rohingyas to Jammu from rest of the India. Central agencies have shared inputs regarding some Kashmir-based NGOs behind the movement of Rohingyas from other parts of India to Jammu. The Rohingyas are being facilitated to move from West Bengal, Assam and other border states to Jammu. And after the infiltration into India, they in fact are being settled. Meanwhile, my colleagues have spoken to some of the political leaders on this very pertinent issue. Let's cut across. जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके जहां पर रोहिंग्या बस्तियां थी, वहां पर सरकार की तरफ से बिजली और पानी को बंद कर दिया गया है, काट दिया गया है। ये प्रशासन का फैसला तब आया है जब उनका कहना है कि जो रोहिंग्या थे वो कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल थी, जिसके चलते ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जावेद राणा साहब हैं, मंत्री हैं जम्मू कश्मीर सरकार के। जावेद साहब, क्या लगता है ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, रोहिंग्याज का एक इशू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, सरकार उस पर क्या फैसला लेगी तो आगे चल के पता चलेगा। पर कब जहाँ तक वाटर सप्लाई का तलक है, पीने के पानी का तलक है, ये आन हमिटन ग्राउंड हमने सबको देना है। और ये मेरे नोटिस में बात आई है, मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कन्वे कर दिया है, अगर पानी काट दिया गया है तो वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। वजह क्या बता रहे हैं कि पानी काटना, बिजली काटना? देखिए, रीज़न का अभी मुझे, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये हैरानगी की बात है कि डिपार्टमेंट को इसका इलम नहीं है और विदाउट इन्फॉर्मिंग कंसर्न मिनिस्ट्री में, और इतना बड़ा फैसला ले लेना, मेरे ख्याल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चौंक भी होगी। इस पर मैं देख लूँगा, एक कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने कन्वे किया है और मैंने जहाँ तक आपको बता दिया, अनहमिटेड ग्राउंड हमें सबको। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद है। नकवी साहब, बांग्लादेश से भारत सरकार की इतने हालत कर भी खराब नहीं हुए, वहां पर लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार उन हमलों को रोकने की बजाय सीधे सीधे भारत सरकार से तनातनी की स्थिति बना रही है, टकराव की स्थिति बना रही है, भारत में अपने कार्यालय भी खाली कर रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे इस बात का अफसोस है कि बांग्लादेश की व्यवस्था को कुछ क्रूर कमनल कठमुल्लाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है, कैद कर लिया है। और अगर कोई व्यवस्था क्रूर कमनल कठमुल्लाओं के कैद में होगी तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म जुर्म की पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है, वो बांग्लादेश के लोगों का ना तो संस्कार है और ना संस्कृति है। वो शुद्ध रूप से इस तरह के क्रूर कमनल कठमुल्लाओं की करतूत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, स्लीपर सेल बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है भारत से लगातार टकराव के रास्ते पर बांग्लादेश इस तरह आगे बढ़ता रहेगा? मुझे नहीं लगता। बांग्लादेश के लोग भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह से क्रूर कमनल कठमुल्लाओं की करतूतें दिखाई पड़ रही हैं, वो चिंता की बात है। और उसके लिए न केवल पूरे दुनिया को समझने की जरूरत है, खुद बांग्लादेश के लोगों को भी इस चीज के लिए सचेत रहना। सर, किसानों ने सरकार को फिर से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन अब पूरा विपक्ष किसानों के समर्थन में उतर आया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जिस तरह से किसानों के लिए सरकार को घेर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, पिटी पटकथा पर परिवार का प्रायोजित जो प्रोग्राम है वो बार बार परास्त भी होता है, बार बार पराजित भी होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि पिटी पटकथा पर परिवार का प्रायोजित प्रोग्राम जो है वो समय समय पर जो है वो कुछ हमारे किसान जो भोले भाले किसान हैं उनके कंधों पे बंदूक और अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के हितों को हाईजेक करने की षड्यंत्र साजिशों में रहता है। अगर आप देखें 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा कृषि, मेरे कृषक, उसको प्राथमिकता दी। और खुद अभी जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम जितनी भी फसलें हैं उनका जो है MSP के आधार पर ही भुगतान होगा,
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की आदत हो गई है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पे बंदूक लगा करके और अपने हितों को साधे। सर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का डीएनए कुछ और बता रहे हैं, क्या कहेंगे सुनकर? डीएनए पर सवाल खड़ा कर, देखो ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए अगर देखना है तो उन्हें जो है वो बलवाइयों की ठुकाई देखनी होगी, दंगाइयों की कुटाई देखनी होगी और उसके जरिए समाज के सौहार्द की भलाई देखनी होगी। जब तक जो है वो इस तरह से बलवाइयों की ठुकाई होती रहेगी, दंगाइयों की कुटाई होती रहेगी और समाज के सौहार्द की भलाई होती रहेगी, तब तक जो है वो ये लोग जो लोग के डीएनए और ये वो ढूंढ रहे हैं वो जो है वो इसी तरह से चीखते और चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि चोट कहीं लगेगी और चीख कहीं से निकलेगी। सर आप तो राज्यसभा में लंबे समय तक सांसद रहे हैं, क्या सर वहां पर नेता लोग इस तरह से गड्ढे? तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना मोदी सरकार ने किसानों के लिए और खेती के लिए जितना काम किया उतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.